और हम गलत बस में चढ़ गए। कैथरीन फॉल्स है, इज इट कैथरीन फॉल्स है ना? अच्छा, अम्मा भी बोल रहे हैं कैथरीन फॉल्स है। एंड देयर इज द बैड न्यूज़, मुझे भी बनानास खाने हैं। ये बनानास है, बनीनियास है, छोटी छोटी। से हाय। और वो कैसे टेरेस फार्मिंग हो रखी है दिखाते हैं अभी आपको, वेट। Welcome to another vlog, another video from Ooty। आज है हमारा another day at the bus stop। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी चीप है, काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी फ्रीक्वेंट है। तो अभी हम जाएंगे कोटागिरी, हमारे पीछे कोटागिरी की बस लग चुकी है। तो देखते हैं कितने घंटे की राइड है यहाँ से। आई थिंक 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। आप जाओ जल्दी, मेरे लिए सीट बचा के रखना। और हम गलत बस में चढ़ गए। अच्छा हुआ दानिश ने पूछ लिया, मैं तो ऐसी चल पड़ी थी कि बोर्ड उसी का लगा हुआ है। शायद ये है हमारी बस, पूछ लेंगे, पूछना पड़ेगा। यस यार, आज सुबह से बेइज्जती हुई जा रही है। क्या हुआ? पहले बस में गलत में चढ़ गए, अब मैं वो पूछने लगा, वो भाग गया कंडक्टर। कॉल जाना है तो कैथरीन फॉल्स। हां, कैथरीन फॉल्स कोठगिरी और तेलंग फोन कैथरीन फॉल्स। ओके, उधर से टैक्सी वगैरह के पैदल और तेरी कोठगिरी कैथरीन फॉल्स। अच्छा ठीक है, 2 टिकट। अरवेन्यू जाएगी। हाँ, ओके, थैंक यू। क्या पता चला? पता चला है जंगल जंगल बात चली है। बोलते हैं कि ये बस अरवेन्यू जाएगी, अरवेन्यू से आगे आप टैक्सी ले सकते हो क्योंकि अरवेन्यू से पास है और पैदल भी जा सकते हो। वैसे हाँ, अरवेन्यू से ही हाइक शुरू होगी। अरवेन्यू से होगी? हाँ। हाँ, तो ये बस जाएगी शायद। ओके, अन्ना अरवेन्यू जाएगी ये बढ़िया हुआ कि यहाँ से हम बस में उतरे हैं और साथ ही दूसरी बस लगी हुई थी। कोटागिरी पहुँचने के लिए हमें एग्जैक्टली 1.5 घंटा लगा है बस में फ्रॉम ऊटी। और यहाँ से हमने जाना है अरवेन्यू जो कि एक छोटा सा विलेज है जहाँ से हाइक शुरू होती है। 5 किलोमीटर है वैसे वहाँ से कैथरीन फॉल्स। अरवेन्यू से नहीं, कैथरीन नहीं, कैथेड्रल फॉल्स। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कैथरीन फॉल्स है, इज इट कैथरीन फॉल्स है ना? अच्छा, अम्मा भी बोल रहे हैं कैथरीन फॉल्स है। आप गए हो उधर? आप अरवेन्यू रहते हैं? अरवेन्यू रहते हैं, हाँ, 3-4 किलोमीटर। अच्छा, अरवेन्यू से इधर बस आती है वापस बस। तो अम्मा ने बताया अभी कि वहाँ से जीप भी मिल जाती है, बस भी मिल जाती है। सी, यही फायदा होता है लोकल से बातें करने का, उनसे इंटरेक्ट करने का। आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कि गूगल या यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलती। सो गूगल इल्ला। मुझे भी बनानास खाने हैं। ये बनानास है, बनीनियास है, छोटी छोटी। So cute। हमें कितना ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया साउथ इंडिया आए और अभी तक हमने यहाँ के बनानास नहीं खाए। खाएंगे, पर ये बनीनिया नहीं, ये तो यार लीची से छोटियां लग रही हैं। हाँ, तो यही तो यहाँ की ऑथेंटिसिटी है। उधर भी हैं बड़े वाले बनानास भी हैं, वो खाएंगे बाद में। स्मॉल वंस राइट, छोटे वाले ही लेते हैं। चलो लो, बोलो 2 लेने हैं। नहीं, दो से क्या बनेगा? बनाना। For how much? 5 rupees one banana. Should we take 4? 4. Catherine Falls. Okay, thank you. 5 kilometers. People are actually very nice here. They are very helpful. चाहे उनको हिंदी अच्छे से आती है नहीं, इंग्लिश आती है नहीं, they try to communicate, we try to communicate और वो हमें help भी कर रहे हैं। हाँ, आधी उन्हें समझ नहीं आती, आधी हमें नहीं आती, आधी उनको आ जाती है, आधी हमें आ जाती है, तो आधा आधा जोड़ के हम पूरा बना ही लेते हैं। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ। इसको क्या हो गया? डर गई बेचारी। We are not gonna hurt you, sorry. गाइस, दानिश ने चीटिंग की। हम अच्छे भले वॉक करके आ रहे थे कैथरीन फॉल्स की तरफ, रास्ते में एक शेयर टैक्सी मिल गई एंड ही ऑप्टेड फॉर दैट। मेरा मन था वॉक करके आने का, बट ही चीटेड। मुझे था कि एक जीप का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, जीप मिल गई तो जीप में कभी बैठे नहीं, कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया। जीप में नहीं ना, टी प्लांटेशंस के अराउंड वॉक करके जाओ, वो एक यूनिक तो एक्सपीरियंस है। 1 किलोमीटर बचा है तो 1 किलोमीटर वॉक करो और टी को एंजॉय करो। कैन आई ट्राई इट? नहीं, कैसे स्मेल आ रही है? How does it smell? नहीं कुछ भी। बाय बाय। ऐसे कैसे ग्रीन ग्रीन लीफ होते हैं ना इनके टी के। कैसे टी बनती होगी इनसे? I want to see। पहले पानी लो, उसमें चीनी डालो, उसमें सौंफ जवैन डालो, पत्ती डाल के टी बना लो। पत्ती कैसे बनेगी? इस पत्ते से पत्ती कैसे बनेगी? तो ऐसे बोलो ना। वाओ, लुक एट द क्लाउड्स, और वो कैसे टेरेस फार्मिंग हो रखी है। दिखाते हैं अभी आपको, वेट। अच्छा हुआ गाड़ी पे आ गए, गर्मी हो रही है। 5 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाते। हाँ। देखा, थैंक मी लेटर। ज्यादा लग रहा है क्योंकि वो है ना उतराई चढ़ाई। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड कैथरीन वाटरफॉल्स। इसे मुझे लगता है चाय सूंघ के नशा चढ़ गया। ये देखो वाटर एटीएम, एनी टाइम वाटर यूवी ट्रीटेड एंड ओजोनाइज्ड वाटर एटीएम। तो यू पुट कॉइन और टोकन हेयर, यहाँ से पानी आएगा। हाँ, दैट्स नाइस। ये हमने ऋषिकेश में तो देखा था। ओ हाँ, पर हमें पानी मिला नहीं था वहाँ, वो चल नहीं रहा था। हाँ, ये अच्छा सिस्टम है ना। एंड देयर इज अ बैड न्यूज़। तो हमें अभी पीछे लोकल ने बताया कि वाटरफॉल क्लोज है। क्यों, ये हमें समझ नहीं आया और उन्हें भी समझ नहीं आया। हमने पूछा तो इधर से कोई जगह बता रहे हैं, बताया कि इधर है, पर क्या है पता नहीं। शायद में भी क्लोज नहीं जा सकते और ऊपर से जा सकते हैं, तो देखते हैं। चलो इधर से जाना है, इधर से जाना है। स्टेयर्स हैं जो। अन्ना से पूछे ना, वाटरफॉल क्लोज वीपाइन फॉल। ओके, चलो इधर ही जाके देख लेते हैं क्या मिलता है। सुंदर लग रहा है, लाइक ऑटम। पत्ते झड़ रहे हैं। गुगू, यू कैंट गो। आई एम गोना आस्क समवन फॉर हेल्प। So I guess this is the only viewpoint we can witness today. So apparently अभी पता चला है कि यहाँ पे कुछ death incidents हुए थे जिसकी वजह से फॉल पे जाना बैन कर दिया गया है and this is the only viewpoint. यहाँ से तो अच्छे से फॉल भी नहीं दिखता, बस you can just enjoy the views and tea plantations and monkeys I guess. अपने 20 रुपए के 4 केलियाँ खाओ, 2 तेरा 2 मेरा 50-50 ठीक है वैसे मेरा भतीजा है, वो बोलता है वो रख सब कुछ अपने पास ही लेता है पर बोलता है ऐसे ही है 2 तेरा 2 मेरा 50-50 डिफरेंट है हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, टेस्ट डिफरेंट है। पेट पूजा होगी हमारी भी और मच्छरों की भी, बहुत मच्छर काट गए मुझे। जी फॉल तो नहीं मिला हमें, बस हम यहाँ टी प्लांटेशंस में थोड़ा टाइम स्पेंड करके अब चल पड़े हैं वापस ऊटी की तरफ। ओके तो अभी हम वापस आ रहे थे एंड वी फाउंड दिस नाइस पीपल फ्रॉम बैंगलोर, से हाय। तो अभी ये कोटागिरी जा रहे हैं, so hope they'll drop us and they won't charge us anything. So yeah, it's beautiful drive. यहाँ पे हम जब आए थे तो टैक्सी लेकर आए थे, अब जा रहे हैं तो फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, so it's nice. You always get something when you are on the roads. Thank you, thank you. तो अभी हम राइड लेके पहुंच चुके हैं कोठागिरी। यहाँ पे हम ऊटी के लिए बस की वेट कर रहे हैं, बट वी आर वेरी हैप्पी कि हमें वो मिले फ्रेंड्स फ्रॉम बेंगलोर एंड दिल्ली। बड़ा अच्छा लगता है जब ट्रैवल करते हुए आपको ऐसे अनजान मिल जाते हैं, और चाहे हम मिले 5 मिनट के लिए है, लेकिन ये मेमोरी शायद हमेशा हमारे साथ रहेगी। ऑनेस्टली वाटरफॉल नहीं देख पाए तो ऐसे लग रहा था यार इतनी दूर आए, व्यूज़ तो इन्जॉय कर लिए बट उनको मिल के ना एक खुशी सी हो गई एंड ऐसा लगा कि हाँ, जर्नी सक्सेसफुल होगी आज की। ओके जी, वी आर बैक इन ऊटी और हमारी बस थोड़ी लेट थी कोटागिरी से। हम अभी पहुंचे हैं 6:30 पौने 7 के अराउंड। हाँ। और आते ही खाने पे टूट पड़े, बहुत भूख लगी थी। वी जस्ट हैड आवर डिनर और अब हम आराम से काम करेंगे क्योंकि बस में हमें बहुत सुस्ती पड़ी एंड वी टुक अ नैप देयर। या नाउ वी आर ऑल चार्ज्ड अप, चाय हमारे हाथ में है तो ये खत्म करके रूम में जाएंगे, एडिटिंग करेंगे और कल के लिए आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड या एंड लेट्स रैप अप दिस वीडियो हियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, लीव अ कमेंट एंड सब्सक्राइब और शेयर इट विद अदर्स। चीयर्स। So see you tomorrow. Bye.